नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार गुप्ता एज ए हेल्थ वर्कर है। चलिए आज आपके बीच में दोस्तों एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं जिसका आप बहुत अच्छा लगेगा और उसे कुछ सीख मिलेगी। जी हाँ, इस कहानी का नाम है दर्जी के सीख। जी हाँ, दर्जी के सीख के बात बता दें कि एक दिन स्कूल में छुट्टी की घोषणा होने के कारण एक दर्जी का बेटा अपने पापा के दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर बहुत ध्यान से पापा को काम करते हुए देखने लगा। उसने देखा कि पापा कैंची से कपड़े को काटते हैं और कैंची को टांग के पास दबा कर रखते हैं और सीने के बाद उसे अपनी टोपी पे लगा देते हैं। और उसने इसी क्रिया को 4-5 बार देखा। उसके बाद उसने उससे रहा नहीं गया और उसने अपने पापा से कहा कि वह एक बात उनसे पूछना चाहता है। तो पापा ने बोला कि बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? तो बेटा ने बोला कि पापा, मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूँ। आप जब भी कपड़ा काटते हैं उसके बाद कैंची को पैर के नीचे दबाते हैं और सुई को जो है वह टोपी में लगाते हैं। तो उन्होंने इसका उत्तर पापा ने दिया उन दो पंक्तियों में जिसे ज़िंदगी का आपका सार समझ में आ जाएगा। तो कहा उन्होंने उत्तर दिया कि बेटा, कैंची जो है वह काटने का काम करता है और सुई जोड़ने का काम करता है। और काटने वाले को जगह हमेशा नीचे होता है और जोड़ने वाला का जगह सब हमेशा ऊपर होता है। यही कारण है कि मैं सुई को टोपी में लगाता हूँ और कैंची को नीचे पैर की ओर दबाता हूँ। दोस्तों, आपको दर्जी का यह जवाब कैसा लगा? नीचे हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और आगे भी ऐसी तरह के बेहतरीन कहानियाँ के लिए आप जुड़े रहिएगा और हेल्थ टिप्स के लिए भी जुड़े रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।